लो, बाजी क्यों करने का शादी कर लो, तो हम भी खून देंगे देंगे बाजी बोल रहे हैं कुछ नहीं कहता सब दिखा रहा है। अगर शादी कर लो भाई, अगर कहते हैं क्या करेंगे शादी करेंगे तो फिर शादी करो, फिर पैसे तो हमारे हिंदुस्तान में ला दो, अगर जो हमारे हिंदुस्तान पे नहीं देगा वो अपने खून देंगे हम अपने हिंदुस्तान पे, बस हम अपने हिंदुस्तान में खून देने के लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो ऐसा है कि पैसे लूट रहा है, जब तक रहेगा सूरज चांद तब तक रहेगा हिंदू दिवस, जब तक रहेगा सूरज चांद तब तक रहेगा हिंदू दिवस। अगर बाबा को बना लिया तो 40 करोड़ जमीन खरीद लो और सबको जेल में ठोक दो, हम है नहीं लेकिन बाबा को ठोक रहा है तो हम ठोक। बाबा के ऊपर इस तरह के टारगेट क्यों किया जा रहा है, हमारे मीडिया सोशल मीडिया पे फैलाइए, हमारे बाबा क्यों किए रह रहा है, और जो आरोप लगा रहे हैं जो कह रहे हैं कि बाबा नहीं आ सकते हमारे बाबा सबसे अच्छे। बाबा के ऊपर आरोप क्यों लगाया गया था, बताओ क्यों लगाया, हमारे हिंदू धर्म में इतना प्रचार हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म में ये आएगा ये आएगा कि हम हिंदू धर्म में लड़ाई और हम देने के लिए तैयार हैं। अगर बाबा को जेल में डालने का सोच रहे हैं तो सबको डाले देंगे, जितने भी कहे जा रहे हैं सबको डाले देंगे, डाले ना हिंदू बहुत सारे लोग जा रहे हैं सबको डाले। बाबा पापा का पापा होते हैं वो बाबा होते हैं। क्या नाम है आपका, ज्योति कुमारी है। आज कल शोभा यात्रा निकला कैसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे दरबार में बाबा है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ये नेता को तो जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो सजा मिलना चाहिए। ऐसे अगर आपके पास सबूत है जो वो झूठे है, आपके पास सबूत क्या है जो वो ढोंगी है, सबूत क्या है, मेरे पास सबूत है, वहाँ देखिए वहाँ देखिए सारे लोग उठा रहे, हमारे पास सबूत है बाबा हमारे ढोंगी नहीं है। आज जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गलत है, आज 6 साल को जेल में डाल दिया गया, मनीष का चौने को जेल में डाल दिया गया, वो चमत्कार से बहुत अच्छे इंसान है, उसको जेल में डाला गया, डाला गया ना जेल में, धमकी दिया गया मोदी पीएम मोदी कौन से बड़े गंदे इंसान है, धमकी दिया गया दम चुरा दिया जाएगा, ये कोई गलत बात है, गलत बात है ना। हमारे जितने भी ये जो हिंदू धर्म प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे जितना भी है जो लोग है अच्छे इंसान है उन्हें उड़ा दिया जाता है, बम से उड़ाने का धमकी दिया गया है। किसने दिया धमकी, बहुत सारे लोग ने दिया, जो आज तक पुलिस वाले हैं ये सब नहीं पता चलता है कि कौन दिया धमकी कौन दिया, ये पता चल पाए, ये पता चल रहा है कि वो ढोंगी है कि भोंगी है, ये पता चल गया। बाबा जी यानी कि कल यहाँ पर आएंगे, क्या कुछ तैयारी है कुछ बताएंगे, बहुत कुछ आगे खान पीन हर एक चीज का तैयारी है, पूरा गाँव सजा, पूरा गाँव सजा, जाके देख सकते हैं मेला भी हर एक चीज का दिक्कत नहीं है, जहाँ सो जहाँ खाओ आराम से रहो। आज जो भी भक्तगण बाहर से आएंगे उसके लिए क्या व्यवस्था है, सबसे पंडाल में सोने खाने रहने सब घर जहाँ गए हैं, रहने के लिए पंडाल लगा हुआ है, सारे फ्री लगा हुआ है, खाने का भी सारा फ्री है, सब हमारे बाबा हमारे बहुत अच्छे इंसान है, अगर इंसान को देखो कितने लोग कलश उठाए हैं, वो मैं लोगों को देखो कितना कलश है हमारे घर पर, आप देख लीजिए गिन गिनने के कितने लायक नहीं है, तीन लायक है करोड़ों में लोग, करोड़ों में यहाँ पे कितने भक्त यहाँ पर आएंगे, सबूत दिखाओ, हमें सबूत चाहिए, क्या तुम्हारे पास सबूत है जो वो ये ढोंगी है, हमारे पास सबूत है। अच्छा बाबा का पोस्टर जो है पटना सिटी में फाड़ा गया था, क्यों फाड़ा गया था, जो पोस्टर फाड़े थे वो भी तो हिंदू सनातन ही था, सनातन ही था, इसलिए सनातन था
इस तरह के साजिश क्यों रचा जा रहा है? क्यों रचा जा रहा है? हमारा हिंदू धर्म बोल ना पाए और हमारा हिंदू धर्म को जा सकता हो पाए, हमारे हिंदू धर्म के कोई हमारे बाबा हमारे बहुत अच्छे बाबा ना थे, सबूत ना, उसके बावजूद भी इस तरह की आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा वैसे जो पापी है जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसको बाबा के शरण में आना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बाबा जो है लेकिन मुसलमान को मारा गया, ये खबर कभी नहीं आया। अच्छा ऐसा हिंदू को लड़की को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों आप सोशल मीडिया वाले हैं, प्रचार कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे पूछिए क्यों किया जा रहा है। जो भी इस तरह की लड़कियाँ हैं जो झांसे में आ जाते हैं उसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? की शादी कर लो, जो शादी करने है तो भी कर लो, बाद में क्यों करने का, शादी कर लो जी। शादी कर लो, जो भी युवा युवती इस वीडियो को देखेंगे उसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? विरोध करे उसे क्या कहना चाहते हैं? उसे तो उसको भगवान की तरफ से पाप चढ़े, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इतना बड़ा विरोध, क्या बोले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। जो करना होगा वो बगीचन धाम करेंगे, कुबेर तो खा गए दिमाग लेने आके, दादू साहब गए कथा सुने दिमाग ले, दिमाग उनका नहीं है जो इसे पढ़े उनका दिमाग नहीं है। अच्छा तुम सुनिए, वो जो बीजेपी नेताजी है वो कभी कथा सुनने आए हैं? कभी इसे बोलते हैं कि बाबा ठीक है बाबा अच्छे, कभी बोले आपको? वो सब कोई आरोप नहीं लगाते, कोई आरोप नहीं लगाया। अब देखिए अनुराचार जी भी, वो भी बहुत अच्छे बाबा है, उन्हें भी वंश उड़ा दिए जाए, बहुत अच्छा। मतलब बाबा जी के ऊपर है जो धमकी दिया गया है, ये तो वो इतने सारे मामा आते हैं सेवा कर रहे हैं, धमकी दिया जा रहा है, वो तो सेवा हुए ना, फिर उन्हें क्यों धमकी दिया गया? कहीं कहीं जो सनातन का यानी कि हिंदू का धर्म को यानी कि नष्ट करने के लिए जो है, समझे, यानी कि सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस तरह से प्लान किया जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है। साजिश रचा जा रहा है, मैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए अगर हमारे हिंदू धर्म में इतना फैलना नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म झूठ रहा है, जब बाबा नहीं आते तब कोई हिंदू धर्म था, तब कोई ये सब इतना हिंदू धर्म का प्रचार होता था? नहीं होता था, नहीं होता था। पहले तो बहुत पहले से उनका हिंदू वो कुछ किया, हिंदू धर्म की कुछ किया, करोड़ों के संख्या में भक्त आए हैं, वो है तो भगवान के भक्त है, धर्म आया, धर्म आया, बोल आए तो हमारे धर्म आया और हम उनके लिए अपना खून देने के लिए तैयार है। थैंक यू।